लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान, 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 हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण, आकाश मार्ग से जा रहे हो और वो भी अपने गुरु से मिले बिना? गुरुदेव, मुझे शीघ्र स्वर्ग लोक पहुंचना है। स्वर्ग लोक? परंतु क्यों? गुरुदेव, मुझे वहां से कल्पतरु लाना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। ठहरो ठहरो हनुमान, ये मेरी आज्ञा है। परंतु हनुमान, आज तक कोई भी कल्पतरु लेकर स्वर्ग लोक से वापस नहीं लौटा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और कृपा से आपके शिष्य हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान, देवराज इंद्र स्वर्ग लोक से कल्पतरु को अलग नहीं होने देंगे, ये बात निश्चित है। गुरुदेव, वो चाहे कुछ भी कर ले, परंतु हनुमान को इस उद्देश्य की पूर्ति तो करनी ही है। गुरुदेव, अब मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। नारायण नारायण, अब क्या करूं? हाँ, पवन देव। हाँ, पवन देव से जाकर कहता हूँ कि वे शीघ्र स्वर्गलोक पहुंचे और हनुमान की सहायता करे। हाँ, हाँ। क्या महावीर हनुमान नंदनवन से कल्पतरु उखाड़ कर ले जा रहे हैं? परंतु तुम्हें सूचना दी किसने चित्रसेन? देवराज, मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वे समय आकाश मार्ग में ही होंगे। नहीं चित्रसेन, इससे पहले हनुमान पृथ्वीलोक पहुंचे हमें उन्हें रोकना होगा। रुक जाओ हनुमान। देवराज इंद्र, कल्पतरु तुम्हें इस प्रकार उखाड़ कर नहीं ले जा सकते। हनुमान, ये स्वर्ग लोक की संपत्ति है। इस समय ये मेरे लिए अनिवार्य है, माता सीता को इसकी आवश्यकता है, इसीलिए इसे मैं पृथ्वी लोक ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि स्वर्ग लोक से कुछ भी ले जाने से पहले मेरी आज्ञा आवश्यक है? आज्ञा लेने का समय नहीं था मेरे पास देवराज, इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु कार्य संपन्न होने के पश्चात इसे मैं पुनः स्वर्ग लोक प्रतिष्ठित कर दूंगा, ये मेरा आपसे वचन है। देवराज, देवराज, यदि माता सीता को इस कल्प वृक्ष की आवश्यकता है तो हनुमान को इसे ले जाने दीजिए। क्या भूल गए देवराज कि माता सीता लक्ष्मी का अवतार है, हम सब उनके सेवक, और वैसे भी हनुमान मेरा पालक पुत्र है। किंतु पवन देव, क्या आप ये भूल गए हैं कि कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक का एक अभिन्न अंग है, इसे स्वर्ग लोक से विलग नहीं किया जा सकता। देवराज, मुझे विलंब हो रहा है, कृपया करके इस समय आज्ञा की बाधा ना डालें, मैं कल्पतरु ले जाने के लिए विवश हूं। देवराज, हनुमान, हम चाहे तो एक ही पल में इस कल्प वृक्ष की दिव्यता नष्ट कर सकते हैं, इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। शांत देवराज, शांत। हनुमान इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वैसे भी माता सीता के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हनुमान को इस कल्प वृक्ष को ले जाने दीजिए। मेरे लिए एक एक क्षण अमूल्य है देवराज, माता सीता संकट में है। मैं आपको वचन देता हूं देवराज कि कार्य संपन्न होने पर मैं इसे पुणे लाकर आपको सौंप दूंगा। देवराज, क्या सोच रहे हैं? अधिक विलंब होने से माता सीता के साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है। देवराज, कृपा करके मुझे कल्पतरु ले जाने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। देवराज, आपकी कृपा होगी। हाँ देवराज, माता सीता की संकट में सहायता करना हमारा भी कर्तव्य है। देवराज, हनुमान को कल्पतरु ले जाने दीजिए। ठीक है, किंतु कार्य पूर्ण होते ही उसे लेकर शीघ्रता शीघ्र स्वर्गलोक लौटना होगा। हनुमान, जैसी आपकी आज्ञा देवराज, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम।
गुरुदेव, 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 अब क्या होगा? महर्षि दुर्वासा के आने का समय हो रहा है और हनुमान अभी तक नहीं आए। धीरज रखो पुत्री, हनुमान समय रहते अवश्य आ जाएंगे। मैं धीरज कैसे रखूं गुरुदेव? आप तो जानते हैं महर्षि दुर्वासा का क्रोध। यदि हनुमान के आने से पहले वो यहाँ गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता, 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 गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ पुत्रों? महर्षि दुर्वासा हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं। क्या? अब मैं क्या करूं गुरुदेव? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान भी अभी तक नहीं पहुंचे। मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं क्या करूं? सीते, तुम इन दोनों को लेकर अपनी कुटिया में जाओ। मैं महर्षि को रोकने का पूरा प्रयास करता हूँ। जाओ। ठीक है गुरुदेव, चलो पुत्र, चलो। स्वागत। जय शिव शंकर। आइए। जय महादेव। आइए महर्षि। ऋषि वाल्मीकि, क्या सीता ने हमारे लिए दिव्य भोजन की व्यवस्था कर ली? महर्षि, सीता उसी में व्यस्त है, कुछ क्षण और लगेंगे। क्या सीता ने हमारे लिए अभी तक दिव्य भोजन की व्यवस्था नहीं की? परंतु हमारी क्षुधा तो बढ़ती ही जा रही है। विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ महर्षि। क्षमा, क्षमा, क्षमा। ऋषि वाल्मीकि, आपको ज्ञान है कि हमारे शब्दकोश में क्षमा शब्द ही नहीं है? क्या सीता को हमारे क्रोध का ज्ञान नहीं है? उसने तो कहा था कि दो घड़ी पश्चात हमारे भोजन की व्यवस्था करेगी। ये विलम्ब क्यों ऋषि वाल्मीकि, क्यों? महर्षि, दिव्य भोजन बनाने में कुछ तो समय लगेगा। आप हमसे अनर्गल बातें कर रहे हैं ऋषि वाल्मीकि, आप हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है देवी सीता ने हमारे लिए भोजन तैयार ही नहीं किया। कहाँ है सीता? देवी सीता, हमारे समक्ष आओ, शीघ्र आओ। सीता, सीता। प्रणाम महर्षि। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय महादेव। सीते, तुम्हारा ये भयभीत मुखमंडल हमें आभास दे रहा है कि तुम हमारे लिए दिव्य भोजन प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। महर्षि, मैं क्षमा चाहती हूँ इस विलंब के लिए। आपकी इच्छा अनुसार दिव्य भोजन का प्रबंध करने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ। सीता, तुमने अकारण ही हमारे क्रोध को प्रज्वलित किया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि असत्य संभाषण से हमारा क्रोध भड़क उठता है और हम अपने वश से बाहर हो जाते हैं? क्रोध शांत कीजिए महर्षि, हमारी परिस्थिति पर भी विचार कीजिए। यदि परिस्थिति ऐसी थी तो हमें दिव्य भोजन कराने का वचन ही क्यों दिया? सीता, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। शांत महर्षि, शांत। क्षमा महर्षि, क्षमा। अब ये स्वांग रचाना बंद करो सीते। रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा के रौद्र रूप से परिचय नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? माता। नहीं। क्षमा महर्षि, क्षमा। माता। कदापि नहीं। जिस ऋषि दुर्वासा के क्रोध की ज्वाला में जलकर तीनों लोग भस्म हो सकते हैं, उसके साथ असत्य संभाषण करके तुमने हमारे क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया है। सीते, आज हमारे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जय शिव शंकर, जय। मेरे श्राप के भय से भाग गई हो तुम सीते। तुम कहीं भी छुप जाओ, परंतु तुम्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। हनुमान। माता, माता, ये कल्प वृक्ष है, इसे मैं स्वर्ग लोक से लेकर आया हूँ। इसे आप जो भी मांगेंगे ये आपको प्रदान करेगा। माता, इससे आप ऋषि दुर्वासा के लिए दिव्य भोजन भी प्राप्त कर सकती हैं। ये लीजिए माता, ये लीजिए, शीघ्र ऋषि दुर्वासा के लिए दिव्य भोजन प्राप्त कीजिए माता। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। शांत ऋषिवर, शांत। आपके भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, आइए। जय शिव शंकर। आइए, आइए। जय श्री राम, जय श्री राम। चाहिए माता,
शीघ्र ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाइए, जाइए। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरी प्रतीक्षा की सीमा अब समाप्त हो गई है, मैं जा रहा हूँ। ऋषिवर, ऋषिवर रुकिए, ये देखिए भोजन की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, ये देखिए। ऋषिवर, विलंब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। माता, माता इधर आइए। ऋषिवर, भोजन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय महादेव। ये तो सचमुच दिव्य भोजन है, ये पृथ्वी लोक का नहीं है। अवश्य ही देवी सीता ने किसी और से सहायता ली है। लीजिए। ऋषिवर, भोजन आपकी इच्छानुसार है ना? ठीक है, किंतु ऋषिवर, भोजन में कोई त्रुटि रह गई है क्या? कोई त्रुटि नहीं है। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय महादेव। प्रणाम, प्रणाम ऋषिवर। रुद्र अवतार दुर्वासा को रुद्र अंश हनुमान का प्रणाम। हनुमान, अब समझ में आया इन सब क्रियाकलापों के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। नहीं ऋषिवर, नहीं। एक पुत्र का अपनी माता के लिए। पुत्र, माता? कौन पुत्र, कौन माता? हनुमान एक पुत्र तथा देवी सीता मेरी माता। क्योंकि प्रत्येक माता का यह अधिकार है कि संकट के समय अपने अपने पुत्र से सहायता मांगे, और प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य है कि संकट के समय अपनी माता की सहायता करे। परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ छल किया गया है, ऋषि दुर्वासा के साथ? नहीं ऋषिवर, मुझे तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सेवा करने का सुअवसर मिला है। ऋषिवर, ऋषिवर, आप तो महान हैं, तेजस्वी हैं, करुणा के सागर हैं। आप ही मुझे बताएं, क्या किसी असहाय अबला नारी को संकट के समय में संकट में डालना क्या उचित है? बताइए ऋषिवर। मैं जानता था कि आपका उत्तर भी नहीं में होगा, क्योंकि आप ही मेरी ही भांति रुद्र अवतार हैं, और भगवान रुद्र के अवतार किसी असहाय को संकट में डाल ही नहीं सकते। ऋषिवर, अब हनुमान आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि अब ये क्रोध त्याग कर शांत हो जाइए और मेरी माता को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। माता सीता, आइए आइए, ऋषिवर इन्हें आशीर्वाद दीजिए।
ये क्रोध त्याग दीजिए ऋषिवर, आशीर्वाद दीजिए। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय महादेव। हनुमान तुम सचमुच संकट मोचन हो, संकट मोचन। जय हनुमान, जय हनुमान।